finally seems to be light at the end of the tunnel for the trapped laborers inside the Uttarkashi tunnel. 67% of the drilling work has been completed, and there is hope that the trapped workers could be rescued as early as tomorrow. Meanwhile, food and medicines have been given via a second pipeline. Ambulances have already reached the site to ferry the laborers, and hospital beds have been prepared to treat them. A safety audit of all 29 under-construction tunnels has been ordered across India. I'm being joined by Mr. Devender. His younger brother is trapped inside the tunnel. The rescue operation may get over late in the night, as per the officials. We'll try to speak to him to know what he has gathered from the officials here who are involved in the rescue op. Devender ji, kya suchna mil rahi hai? Badi halchal ho rahi hai. Haan, suchna mil rahi hai ki abhi ek do pipe ghusna baki hai. Bas iske baad to bhai nikal jayenge. Kuch time ka pata chal raha hai? Time ka pata kuch nahi hai, lekin ek pipe mein lagbhag wahi bata rahe hai ki 3-4 ghante ka samay lagta hai. To do pipe ghusne mein 6 ghante. कितना समझे अभी करीब 9 बजने वाला है साढ़े 9 बजने वाला है तो समझ जाइए कि 12-1 बजे तक कंप्लीट होने वाला है इस तरह का या 12 से ऊपर भी जा सकता 12 के ऊपर भी जा सकता है लेकिन हमको अनुमान है कि 11 बजे तक सबके निकल जाएंगे इस तरह का हमको अपने दिल में अनुभव हो रहा है ठीक है किससे बात हुई है आपकी इसमें अधिकारियों से अधिकारी या किसी से कुछ इस तरह का अनुभव नहीं है लेकिन एक्चुअली मैं अपने आप में मैं भी कभी था हाँ अनुभव भी तजुर्बा रहा है तजुर्बा रहा उसके अनुभव अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि शायद 11:30 बजे तक सबको निकल जाएंगे कहाँ कहीं टनल में आप भी काम किए हैं जी हाँ मैं इसके पहले मैं 3 प्रोजेक्ट फाइनल किया हूँ कहाँ आपका अरफल टनल और प्रोजेक्ट करार पुणे इसके बाद आपका मेघालय में किया था मेघालय में आपका पावर प्रोजेक्ट का काम था वो वाला किया था तो एक चीज बताइए कि जब ऐसे टनल में लोग काम करते हैं आपको तजुर्बा भी है तो क्या जैसे बहुत ठंड हो गई है अभी यहाँ पर तो सुबह में भी ठंड हो जा रही है शाम में तो 10-12 दिन आदमी रह सकता है जैसे कल तो आराम से क्योंकि टनल के अंदर गर्मी लगती है अच्छा टनल के अंदर हाँ गर्मी लगती है वहाँ ठंड नहीं लगती है और कल गर्म कपड़े वगैरह भी आज या कल भेजे भी गए वो बेकार का है उसका कोई दिक्कत नहीं है उसका क्योंकि टनल के अंदर ठंड लगती ही नहीं है क्योंकि मैं उतना दिन रहा टनल के अंदर मतलब ठंड लगती नहीं अच्छा अच्छा आपके कौन है अंदर मेरा भाई है विश्वजीत कुमार आपका क्या नाम है इंद्रजीत कुमार झारखंड से झारखंड कहाँ से गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हाँ क्या पता चल रहा है बातचीत हुई है बातचीत तो पर डे में कर रहा हूँ लेकिन आज की खबर थी कि आज बाहर मतलब हो जाएगा ऑफिस से कोई बात हुई है कि कब तक आ पाएंगे क्या चल रहा है कब तक खत्म होगा नहीं नहीं अधिकारी लोग तो हम लोग से बातचीत नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं सुबह जब गया था बातचीत करने के लिए तो उस टाइम बोल रहे थे कि आज ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा अच्छा तो अब थोड़ा सा तसल्ली है कि वीडियो भी आया सब वीडियो वगैरह में दिखे थे आपके भाई साहब हाँ हाँ वीडियो में दिखे थे। हाँ मैसेज वैसेज दिया था उन्होंने ना वो तो बहुत लोग वहाँ अंदर में थे लेकिन वो संदेश तो नहीं दे पाए अंदर से लेकिन मैंने देखा कि वो हैं और खुशी हुई कि सभी सकुशल हैं थोड़ा सा राहत की सांस आई है वीडियो वगैरह सब आने से हाँ वो तो है मैं तो पर डे बात कर रहा था मैं तो 13 तारीख से ही हूँ यहाँ तो कैसे बात करते थे फोन नहीं फोन तो अंदर नहीं लगती है वो पाइप जो है उसी के जरिए बातचीत होती थी तो मैं पर डे बातचीत करता था पर डे हाल समाचार लेता था उन लोग सब बोलते थे कि हम लोग सब ठीक हैं और हमारा झारखंड से 15 सदस्य हैं अंदर में तो सब ठीक थे उसके साथ जो 41 है सभी ठीक थे किसी को कोई परेशानी का बात नहीं कभी सुनने को मिला तो तबीयत सबकी ठीक है हाँ तबीयत सभी की ठीक है क्योंकि मैं हर बार जब भी मैं बातचीत करता था तो सबसे पहले तबीयत की ही बात पूछती थी तो उन लोग बोलता था कि नहीं हम लोग को किसी तरह का महसूस तकलीफ मेरे तो निजी 2 लोग हैं और झारखंड से 15 हैं और अन्य स्टेट से लेकर के टोटल 41 है ना इसी So what we are picking up, his smile and his, what we say, his the confidence which they say that they have been communicated, that the rescue operation may get over late in the night or around 11 or 12 p.m. And he also shared very important information that perhaps they are all healthy and doesn't need a very intense medical attention. In Uttarkashi, with camera person Prem Singh Mohammed Ghazali for NDTV.